गेंदबाजी में बदलाव, सम्राट आए हैं पार्ले 2020 जीएन से और एक वाइड से शुरुआत। और यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में एक बदलाव हुआ है, अतुल वासन के स्थान पर आ गए हैं। अजय, स्वागत है आपका। अजय, शुक्रिया देवांग जी। हाँ, जैसे आप कह रहे थे कि अब तक गेंदबाजी काफी बढ़िया रही है, सम्राट को अब लेके आए कप्तान पार्ले जीएन से। काफी विकल्प नजर आते हैं हमेशा ही, अब जब भी तेलुगु वॉरियर्स की टीम मैदान पे उतरती है, ये हमेशा अच्छा रहता है किसी भी कप्तान के लिए। अगर आप देखें अब प्रिंस ने भी अब काफी बढ़िया कार्य किया है, रघु अभी 4 ओवर अपना पूरा कर चुके हैं, 15 रन ही खर्चे हैं, तो अभी तक पक्ष में रहा है सब कुछ तेलुगु वॉरियर्स के। टॉस भी उन्होंने जीता, आगाज काफी बढ़िया रहा है और साइड स्क्रीन के पीछे ही मुझे लगता है जो होर्डिंग है उसकी रिफ्लेक्शन आ रही थी जिसको अब नीचे कर दिया गया है। पर फिलहाल एक जो पहल है हृदय फाउंडेशन की बहुत बढ़िया, और इसके बारे में जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम, इसका बार बार दिमाग हम जिक्र करते रहे हैं। मुझे उम्मीद करते हैं और भी लोग आगे आए इस पहल में। इस बार अपील करते हुए काफी विश्वास भरी अपील और उंगली उठती हुई, काफी वक्त लिया यहाँ पे एम्पायर ने, अंत में संतुष्ट हुए और ये देखिए खेमा तेलुगु वॉरियर्स का। और ये बहुत ही बड़ा झटका, हालांकि गेंद लेग स्टंप के ऊपर थी और मैं मानता हूं कहीं ना कहीं ये बड़ा ढीला शॉट खेला और अपना विकेट गवाया। ये विकेट लेने वाली गेंद नहीं थी, लेकिन यहां पर बहुत ही बड़ा झटका पड़ा है चेन्नई को। इस मुकाबले 182 रन औसत ज्यादा नहीं, पर आज जिम्मेदारी जरूर है उनके कंधों के ऊपर, आज क्या करके दिखाते हैं। काफी उम्मीद है टीम को, पर यहां पे बढ़िया गेंदबाजी, सम्राट पूरा चकमा दे रहे हैं, लाइन बढ़िया रख रहे हैं, लगातार अब ऑस्टम ऑस्टम के बाहर गेंदबाजी करते हुए सम्राट ज्यादा रूम नहीं दे रहे बैट्समैन को स्ट्रोक खेलने के लिए। ये गेंद अगर आप देखें टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा कोन बदला अंदर की तरफ आई, फिर से बिट टेंटे वहां पे अब आगे कदम जरूर निकाला था, 1 रन मिलता हुआ। दिवांग गांधी के स्थान पे अब एक तब्दीली है कमेंटेटर बॉक्स में, मेरे साथ जुड़ चुके हैं एयाज मेमन, स्वागत है आपका। धन्यवाद। 39/2 और काफी कठिनाई में यहां से कुछ एक पार्टनरशिप की जरूरत है अगर पारी को संभालना है, 150 के करीब टोटल ले जाना है, तो यहां पर ये पार्टनरशिप, ये पैर खेलना बहुत जरूरी। जी हाँ, जितना लंबा खेलेंगे उतना बढ़िया है, पर अगर आप विक्रांत की बात करें, आज कल भी लगभग बहुत धीमी शुरुआत थी पर इनिंग को बहुत बढ़िया तरीके से पेस किया, पढ़ लेते हैं। ये था जो पिछला विकेट गिरा था नेक्स्ट टर्म के बाहर और ऐसा लगा डिफ्लेक्शन जरूर हुई है, थोड़ी डिविएशन नजर आई और एकदम अपील की थी सम्राट ने, पर एम्पायर ने काफी वक्त लिया वो निर्णय देने के लिए, उंगली अंत में जरूर उठाई। और इस तरह के सिंगल्स ले तो स्कोर बोर्ड भी चलता रहेगा आगे, शार्प सिंगल, अच्छा कॉल, अच्छा जजमेंट। दर्शक यहां पर काफी तादाद में आए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा जरूर जो टर्न आउट है और बढ़िया नजर आएगी। कल काफी बढ़िया क्राउड था दोनों सेमीफाइनल जब चल रहे थे। 8 ओवर की समाप्ति 42/2।